स्टूडेंट टुडे वी सी द टॉपिक दैट इज रिले इंस्ट्रक्शंस इन पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट. ओके, इन पीएलसी इंस्ट्रक्शन सेट देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दैट इन टुडेज लेक्चर वी कवर ओनली द रिले इंस्ट्रक्शन. ओके, सो सी वन बाय वन रिले इंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट इज द रिले इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट. ओके, फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका है नो कॉन्टैक्ट. उसका जो सिंबल है आपका वो ऐसे है. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा अगर सिंबल रहा तो ये किसका रहेगा, दैट इज़ द नो कॉन्टैक्ट. ओके, इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेंगे. तो डिस्क्रिप्शन है, देखो, इट इज़ कॉमनली यूज इंस्ट्रक्शन इन पी एल सी लैडर प्रोग्रामिंग. ये जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग कॉमनली लैडर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. ये किसके जैसे रहता है, जो ओपन ओपन कॉन्टैक्ट करके यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, वो सिमिलर टू दैट रहता है, दैट इज़ द अवर नो कॉन्टैक्ट. ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, इफ लॉजिक वन और ट्रू और हाई सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू दिस कॉन्टैक्ट, देन इट एक्ट्स एज अ क्लोज्ड कॉन्टैक्ट एंड पावर फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स क्या हो गया, अगर इसको हम लोग लॉजिक वन या फिर ट्रू या फिर हाई सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे काम करेगा, एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट करके काम करेगा. ओके, और जो पावर है वो कैसे फ्लो होगा, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, और अगर जीरो दे दिया क्या होगा, अपोजिट, दैट इज़ फॉल्स. और लो सिग्नल दे दिया तो क्या होगा, जो भी कॉन्टैक्ट है वो कैसे एक्ट होगा, एज अ ओपन कॉन्टैक्ट करके वो एक्ट होगा. ओके, और जो पावर है वो क्या होगा, पावर डज नॉट फ्लो. अगर वो ओपन कॉन्टैक्ट है तो उसमें से पावर फ्लो नहीं होगा. मीन्स लॉजिक वन देंगे तो पावर लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा. ओके, और अगर हम लोग क्या करेंगे, पावर ज़ीरो, अगर लॉजिक ज़ीरो अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से पावर फ्लो नहीं होगा और वो ओपन कॉन्टैक्ट करके एक्ट होगा. ओके, तो ये हो गया अपना जो है नो कॉन्टैक्ट का डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट जो है रिले देखेंगे, रिले इंस्ट्रक्शन, इट इज़ सेकंड वन, इट इज़ नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट. उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट. अभी ये जो सिंबल है वो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का है. ठीक है, बाद में इसका डिस्क्रिप्शन देखो, क्या है डिस्क्रिप्शन, नॉर्मली क्लोज स्विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. ओके, जो भी हम लोगों ने अभी नो कॉन्टैक्ट में देखा है सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पे, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक वन दिया मीन्स टू और हाई सिग्नल दिया, अप्लाइड किया तो क्या होगा, इट एक्ट्स एज अ ओपन स्विच और इसमें से पावर फ्लो नहीं होगा. ओके, और अगर लॉजिक क्या दिया, ज़ीरो दिया. ओके, लॉजिक ज़ीरो दिया तो क्या होगा, फॉल्स. और लो सिग्नल दिया तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट देन एक्ट्स एज अ क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, एज अ क्लोज्ड स्विच. ओके, और इसमें जो जो पावर है वो कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, एग्जैक्ट अपोजिट टू नो कॉन्टैक्ट. ओके, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस इसमें देखा है वो अपोजिट टू दिस. ओके, सो सी द नेक्स्ट थर्ड वन, इट इज़ द कॉन्टैक्ट कॉइल और आउटपुट कॉइल. ओके, उसका जो सिंबल है, ये दोनों सिंबल है उसके, कॉन्टैक्ट कॉइल और आउटपुट कॉइल के. डिस्क्रिप्शन में देखिए, दिस इज़ द आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन लैडर प्रोग्रामिंग. हम लोग ये जो इंस्ट्रक्शन है एज अ आउटपुट करके यूज़ करते हैं लैडर प्रोग्रामिंग में. ओके, इंडिकेट आउटपुट डिवाइस, दिस आउटपुट कॉइल विल गेट एनर्जी, रग कंडीशन बिकम्स ट्रू, अदरवाइज इट रिमेन्स ऑफ. ओके, ये जो है क्या इंडिकेट करेगा, जो भी अपना आउटपुट है
वो इंडिकेट करेगा, मीन्स आउटपुट कॉइल विल गेट एनर्जाइज इन रग कंडीशंस बिकम्स ट्रू, मीन्स अगर रग कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू है तो आपकी कॉइल क्या होगी, एनर्जाइज होगी, अदरवाइज इट इज रिमेन्स ऑफ रहेगी. ओके, नेक्स्ट देखो, फोर्थ है आपका सेट इंस्ट्रक्शन. ओके, सेट इंस्ट्रक्शन का ये जो है सिंबल है. उसके बाद में इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए, इट इज़ अ लैच टाइप आउटपुट कॉइल. इफ द आउटपुट कॉइल इज लैच टू ऑन स्टेट, इट विल कीप इट्स वैल्यू इवन थ्रू द पावर इज टर्न ऑफ. ओके, अभी इसमें क्या है, ये जो लैच है, ये जो आउटपुट सॉरी सेट इंस्ट्रक्शन है, ये क्या रहती है, लैच टाइप आउटपुट कॉइल रहेगी. ओके, और इसमें जो है, अगर आउटपुट कॉइल लैच अगर ऑन स्टेट में रहेगी तो इट विल कीप इट्स वैल्यू, मीन्स ये क्या करेगी, जो भी वैल्यू है अपनी वो कहाँ तक के वो रखेगी, जब तक कि अपना पावर टर्न ऑफ नहीं हो जाएगा, मीन जब तक अपना पावर जो है पीएलसी का वो टर्न ऑफ नहीं होगा, तब तक कि ये जो वैल्यू है अपनी आउटपुट कॉइल की वो क्या करेगी, इवन वैल्यू इवन थ्रू द पावर इज टर्न ऑफ, मीन्स वो अपनी आउटपुट की जो वैल्यू है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन अगर पावर ऑफ हो गया तो वो फिर से चेंज हो जाएगी, हम लोग उसको फिर से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वैल्यू चेंज आ सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट लास्ट जो है आपका रीसेट इंस्ट्रक्शन. ओके, रीसेट इंस्ट्रक्शन को जो है सिंबल देखो, ये रीसेट इंस्ट्रक्शन का सिंबल है. थ्योरी में देखो क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रीसेट द टाइमर और काउंटर इंस्ट्रक्शन. ये जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, रीसेट करने के लिए यूज़ करते हैं टाइमर और काउंटर इंस्ट्रक्शंस को. ओके, सेपरेट इनपुट कैन बी यूज्ड टू एक्टिवेट रीसेट इंस्ट्रक्शन, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, रीसेट इंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सेपरेट इनपुट भी हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, सो इस तरह जो है आपके ये सब जो है रिले इंस्ट्रक्शन है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये एग्ज़ाम में आते हैं. सो यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो चुका है. सो थैंक यू वेरी मच.